दिल है और कमेंट से फर्क पड़ता है, मैं बोलती नहीं हूँ अलग बात है, बिकॉज आई हैव माई ओन रीजन्स टू नॉट स्पीक राइट नाउ. और हर चीज़ का एक सही वक्त होता है ना, हर चीज़ का एक सही वक्त होता है. तो मतलब तुम लोग क्या चाहते हो कि मैं जो थोड़ा बहुत हंस खेल रही हूँ, आप लोग क्या चाहते हो कि आप लोग कमेंट करते रहो और फिर मैं डिप्रेशन में चले जाऊँ, मैं उदास हो जाऊँ और मैं मरियल बन के तुम्हारे सामने आऊँ, या फिर मैं आऊँ ही ना, मैं ब्लॉग बनाना बंद कर दूँ. मतलब जैसे तैसे धो धो हम मैनेज कर रहे हैं. तो डोंट बी सो, जो भी हुआ मैंने भी सोचा नहीं था, मतलब नो वन प्लान्स दैट, कोई प्लान नहीं करता है. हो गया ठीक है. अब मैं ज़्यादा उस बारे में सोचना चाहती ना, बात करना चाहती हूँ. और मैं और मम्मी जा रहे हैं अपनी फ्रेंड की शादी में. ये मेरे यार की शादी है आज, मेरे यार की शादी है, यार की शादी है, मेरे दिलदार की शादी है. मेरे को इतनी खुशी हो रही है ना. मेरे दोस्त की शादी है ज्योति, जो मेरी फ्रेंड है, टिंगी टिंगी सी, आपने व्लॉग में देखा होगा, ज्योति ज्योति काफी बार जिक्र, जिसके साथ मैं तुंगनाथ गई थी घूमने के लिए. यस, तो जिस फ्रेंड के साथ मैं तुंगनाथ घूमने के लिए गई थी, उसकी फाइनली हो रही है शादी. ओ माय गॉड. सो उसी दोस्त की मेरी शादी है. और गाइज, ओ माय गॉड, वो पता है आपको, वो ना मेरी बचपन की दोस्त है, ठीक है, फिफ्थ क्लास. मतलब जब ढंग से, नहीं ये तो नहीं बोल सकती मैं कि खाना नहीं आता था, बिकॉज खाना आता था, बट जब ढंग से बोलना नहीं आता था, यू नो, कुछ भी करना नहीं आता था, और यू नो वी वर लाइक व्हाट किड्स यार, फिफ्थ क्लास क्या ही होता है. तो फिफ्थ क्लास से हम लोग दोस्त हैं. तो मेरी दो दोस्त फिफ्थ क्लास से हैं, ज्योति एंड चेरी. तुंगनाथ जिसके साथ घूमने के लिए गई थी ज्योति, एंड मैं एक बार पटियाला गई थी, तो पटियाला में जिसके घर पर रही थी, दैट वॉज चेरी. तो ये दोनों मेरे फिफ्थ क्लास के दोस्त हैं. सो फाइनली वन इज गेटिंग मैरिड, अब नाउ वन लेफ्ट. उसके बाद चेरी का देखो कब नंबर आता है. सो ये दो दोस्त हैं. एंड आफ्टर दैट आलोक, जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो एट्थ क्लास से है. सो या, तो यू नो बचपन के ही है. सो नाउ ज्योति, ओ माय गॉड, मतलब इतना ना सरियल और इतना अनबिलीवेबल, इतना अनरियलिस्टिक, पता नहीं क्या, बहुत ही अजीब. मतलब इट इज़ वेरी सरियल यार, इट इज़ वेरी इमोशनल ऑल्सो. मतलब मैं सोच रही हूँ ना, ओ माई गॉड, मेरे पास वर्ड्स नहीं है ऑनेस्टली. आई के नॉट से, मेरे को पता नहीं मैं शादी में क्या करने वाली. मैं तो बहुत रोने वाली भाई इसकी शादी में. पता नहीं, आई थिंक मैं रोऊंगी, बट या. सो यस, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी हर एज अ ब्राइड. तेरा डांस हो रही, मेरे को यहीं से बुरा लग रहा है, ज्योति की शादी हो रही है तो मैं क्यों बुरा लग रहा है, उसके इजा पहुंचे को नहीं बुरा लग, उसकी इजा सोच रही है, धो धो जा रही है अब, शुक्र है. मजाक कर रही हूं मैं आपको. आपको क्यों, देखो मम्मी को इतना इमोशनल हो रहा है, तो सोचो मुझे कितना इमोशनल हो रहा होगा. तो हमारे ना, मेरे ना कुछ बचपन के दोस्त भी आ रहे हैं. आई थिंक मेरा एक बचपन का दोस्त है गुरविंदर, ही विल बी देयर. आलोक भी वहां पर होगा. तो हम सब फ्रेंड्स ही थे. सो आई होप सब आ जाएं, डिच ना करें एंड मोमेंट पे. मैं तो जा ही रही हूँ. तो या, मैं आपको अपने कुछ बचपन के दोस्तों को भी मिलाऊंगी फिर, अगर आते हैं तो. और अब कुछ बहुत ही समझदार और बहुत ही नेक दिल और बहुत ही बेवकूफ लोग कमेंट करने लग जाएंगे, आपकी भी तो शादी हुई थी, आपकी भी तो शादी हुई थी, आप अपनी शादी, आपकी शादी हुई थी, अब दूसरी. मन तो करते ना, इनकी तो कॉमेंट कर रहे ना, इनको पकड़ के, मतलब हाँ भाई पता है मेरे को, ठीक है. मतलब इतना तो तुम लोग को अकल होनी चाहिए कि, मतलब ठीक है ना, बोलते हैं ना, जख्मों को खुरेदना नहीं चाहिए. सो या, डोंट खुरेदो माई जख्म यार. मतलब कम ऑन, आई नो क्या हुआ था, मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता है क्या हुआ था, ठीक है. मेरे साथ ही हुआ था, मेरी हुई थी. मेरी शादी हुई थी, तो मुझे मत बताओ कि मेरी शादी हुई थी, बिकॉज आई नो. अब लोग कॉमेंट्स करेंगे फालतू कॉमेंट्स, जो कि एक तो मेरे को इतना गंदा लगता है ना वो इंसान, आई डोंट नो वो लड़का है कि लड़की है, उसका नाम है ऑप्टिमिस्टिक. अब देखना मेरे पुराने कमेंट्स में, नाम है भाई साहब का ऑप्टिमिस्टिक, जो भी है ये, इन बेवकूफ को इतना नहीं पता है कि ऑप्टिमिस्टिक का क्या मतलब होता है. ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिविटी, अच्छा. लेकिन वो भाई साहब मेरे कमेंट्स, मेरे ब्लॉग में कमेंट्स करते हैं पेसिमिस्ट वाले, सब नकारात्मक. मतलब ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है सकारात्मक, और वो इंसान मेरे ब्लॉग में कमेंट करता है नकारात्मक, पेसिमिस्ट कमेंट्स. तो भाई साहब या बहन जी, आप जो भी हैं, अब अपना नाम पहले तो चेंज करके ऑप्टिमिस्ट से पेसिमिस्ट करिए, फिर हम लोग बात करेंगे, ठीक है. और मुझे बाकी मैं क्या बोलूँ, जो भी कमेंट्स आते हैं, हाँ कुछ कमेंट्स से फ़र्क पड़ता है, नो डाउट पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है, पढ़ना भी चाहिए और पड़ता है. मैं भी इंसान हुआ है, मेरे भी यहाँ पर दिल है, और कमेंट से फ़र्क पड़ता है. मैं बोलती नहीं हूँ अलग बात है, बिकॉज आई हैव माई ओन रीजन्स टू नॉट स्पीक राइट नाउ. वेट, लेट मी टॉक. मैं बोलूँगी ना. सो आई हैव माई ओन रीजन्स टू नॉट स्पीक राइट नाउ. और हर चीज़ का एक सही वक्त होता है ना, हर चीज़ का एक सही वक्त होता है. तो मेरा भी सही वक्त आएगा, और जब सही वक्त आएगा तब मैं बोलूँगी.
मुझे भी पता है कि मुझे बताना है और मुझे बोलना है, बिकॉज या हर चीज़ ब्लॉक के सामने हुई है, तो एक क्लोजर और डिस्क्लोजर जो भी है वो मैं बताऊंगी, मतलब, बट देर इज ऑलवेज अ राइट टाइम फॉर एवरीथिंग। सो मैं यही बोलूंगी बस कि सही समय आने दीजिए, है ना। बाकी अब प्लीज़ भगवान के लिए ज्योति की शादी के वाले व्लॉग में मेरी शादी को लेके तमाशा मत बनाना, तुम्हारी शादी हुई तो तुम्हारी शादी है, ये वाले कमेंट्स मत करना बस वहाँ पे प्लीज़। या लेट मी इन्जॉय माई लाइफ। मतलब तुम लोग क्या चाहते हो कि मैं जो थोड़ा बहुत हंस खेल रही हूँ, आप लोग क्या चाहते हो कि आप लोग कमेंट करते रहो और फिर मैं डिप्रेशन में चले जाऊँ, मैं उदास हो जाऊँ और मैं मरियल बन के तुम्हारे सामने आऊँ, या फिर मैं आऊँ ही ना, मैं ब्लॉग बनाना बंद कर दूँ। मतलब क्या चाहते हो आप लोग, जो आप लोग ही कमेंट्स करते हो, आप लोग क्या चाहते हो कि मैं क्या ब्लॉग बनाना बंद कर दूँ, या मैं अगर ब्लॉग बनाऊँ तो मैं रोऊँ तुम्हारे सामने, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। क्या क्या चाहते क्या हो आप लोग, मतलब थोड़ा तो दिमाग लगाया करो यार कि आप लोग जो ये कमेंट्स करते हो। मैं भी इंसान हूँ आफ्टर ऑल यार, फ़र्क पड़ता है, और वो फ़र्क पड़ के इंसान अकेला है, सोचता है, इंसान डिप्रेस हो सकता है, लोनली हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें होती है ना, जैसे तैसे धो धो हम मैनेज कर रहे हैं। तो डोंट बी सो स्टूपिड, है ना, तो डोंट मेक मी गो इन टू दैट सैड जोन, है ना। तो मैं कोई रहने दो ऐसे, इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन है कि कृपया करके इंतज़ार कीजिए, सही समय आने दीजिए। देर इज़ अ राइट टाइम फॉर एवरीथिंग एंड द राइट टाइम विल कम, आई विल से वट एवर इज़ मेंट टू बी सेट। और ऐसे ही ऑप्टिमिस्ट करके एक दो और लोग हैं, मुझे बुरा तो पता क्या लगता है कि चलो ये ऑप्टिमिस्ट तो इन पर इतना भी हिम्मत नहीं है कि अपने असली नाम से आ सके सामने, बट कुछ लोग तो, मुझे सबसे ज़्यादा बुरा पता क्या लगता है कि कुछ तो चलो लड़के होते हैं जो कमेंट्स करते हैं फालतू। हाँ ठीक है, लड़कों को तो चलो समझ आते हैं, आदमी अंकलों का तो आदमी है क्या ही समझेंगे, छोड़ो, बट कुछ लड़कियाँ भी हैं भैया। एक मैडम है रिया पंत, एक है प्राची, हाँ यही नाम है, रिया पंत प्राची। मतलब मेरे को हैरानी हो जाती है कि कोई लड़की इतनी ज़्यादा इनह्यूमन या कोई लड़की इतनी ज़्यादा इनसेंसिटिव कैसे हो सकती है, मतलब हाओ। लड़कों का तो चलो समझ आ रहा है, वो लड़के हैं ना, उनको इतना नहीं, लड़कियों का दुख दर्द या जो भी रिलेट नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते, बट लड़कियाँ इतनी स्टूपिड कैसे हो सकती है, इतनी इनसेंसिटिव कैसे हो सकती हैं। और भी बहुत, मैंने सारे नाम लिखे हुए हैं भाई, मैंने ऐसे से ना ये सबके मैंने नाम नोट डाउन करे हैं, जब मैं एक बार बनाऊंगी ना वीडियो तो मैं सबके नाम लूंगी। और अगर इतनी हिम्मत है ना तुम लोगों में कि जो तुम कमेंट्स करते हो, तो पीछे से वार करने के बजाय ना इंस्टाग्राम में आओ तुम सब लोग, ठीक है, मेरे इंस्टा में आओ, तुम मेरे इंस्टा में कमेंट्स करो अपनी असली आईडी से करना, और इंस्टा में मेरे को अपनी असली आईडी से मैसेज करो, वहां पे बात करेंगे हम लोग। ये कमेंट्स में ना ये डरपोक और कावर्ड की तरह पीछे से वार करने की जरूरत नहीं है। तो मुझे सबसे ज्यादा बुरा तो ना लड़कियों को देख के लगता है, तो लड़के कमेंट करते हैं उनको देख के तो मुझे ऐसा लगता है भाई इंसानियत खत्म होते जा रही है। और यही लड़के हैं ना जिनके कमेंट्स, लड़के आंटियाँ जो भी है, आई डोंट नो, इन्हीं के कमेंट्स इस चीज़ का सबूत है और इस चीज़ को प्रूफ करते हैं दैट एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है। ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, ऐसा ये कहावत सच कर रही हो तुम लोग ऐसे कमेंट्स करके ना। और अब कुछ बहुत ही समझदार लोग ये भी कमेंट करेंगे कि बताओ कैसी लड़की है, हंस रही है, हंस के बता रही है, हंस के बोल रही है। और मैं ऐसे इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज आई नो माय ऑडियंस नाउ, आई नो कैसे कमेंट्स आते हैं। नो डाउट बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे से कमेंट्स भी करते हैं, बहुत सारे, इनफैक्ट ज़्यादा लोग अच्छे वाले ही हैं, दे आर दी ओनली रीज़न कि मैं ब्लॉग बना पा रही हूँ। आपको पता है बहुत अच्छे लोग का मैंने नाम लिखा है, जैसे मैंने बुरे लोगों का नाम लिखा है ना, ऐसे मैंने अच्छे लोग का भी नाम लिखा है। तो जो अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं ना, बहुत लड़के और बहुत लोग हैं जो बहुत प्यारे कमेंट्स करते हैं, और उन्हीं की वजह से ना प्रेरणा मिलती है कि नहीं कल मैं यू शुड डू इट। तो यू नो, अब आई नो कुछ लोग ये भी कमेंट करेंगे कैसे हंस रही है बताओ, इसको तो कोई गम नहीं है। कुछ लोग ये भी लिखते हैं कोई इतनी जल्दी कैसे ओवरकम कर सकती है, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अरे भैया तुम थोड़ी जानते हो मेरे घर के अंदर क्या चल रहा है, तुम थोड़ी जानते हो मैंने कैसे झेला है, मैंने क्या किया है, मतलब है ना। तो तुमने एक भी, एंड अगेन जितना भी ब्लॉग में दिख रहा है दैट इज़ नॉट 100% ट्रू, वो मुझे अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखना पड़ रहा है। मैं हंस के प्रेजेंटेबल बन के और बढ़िया तरीके से ब्लॉग बना के आपको एंटरटेन कर रही हूँ, मैं चाहूँ तो मैं रो भी सकती हूँ। बिकॉज बहुत लोग ब्लॉग्स में हैं, आप जानते होंगे, आप खुद देखते होंगे, ऐसे बहुत चैनल से मैं देखती हूँ जो जिनके साथ कुछ ना कुछ ट्रेजेडी हुई है और वो ब्लॉग में खुल के आते हैं, वो खुल के रोते हैं। तो भैया मैं भी कर सकती हूँ ये चीज़ें यार, मैं भी एक लड़की हूँ, मुझे भी अपने राइट्स और मुझे भी ये सब एडवांटेजेस और यूट्यूब बारे में पता है। तो मैं चाहूँ तो मैं भी कैमरा रख करके रो सकती हूँ, आई नो दैट। मैं नहीं रो रही हूँ तो इसका कुछ तो रीज़न होगा ना, कुछ तो समझिए। और मैं उनमें से नहीं आती, मुझे नहीं पसंद, ऑनेस्टली आई डोंट लाइक इट, मुझे नहीं पसंद, मुझे रो धो के बोलना नहीं पसंद। मैंने खुद दिमाग लगाओ ना, मैं चाहती मैं तो रोज़ रो रो के ब्लॉग निकाल सकती थी, मैं रोज़ रो रो के बढ़िया बढ़िया कैची थंबनेल टाइटल लगा के नहीं लिख सकती थी कुछ भी, लिख सकती थी ना, पर मैंने लिखा नहीं। कुछ तो रीज़न होगा ना, थोड़ा तो दिमाग लगाओ। तो या मेरे से नहीं होता वो रो धो के ना। तो जो अभी ये कमेंट करेंगे ना कि अब कैसे हंस रही है, कैसे कर रही है, तो मैंने अपना टाइम ले लिया उभरने का, मेरे को जितना टाइम चाहिए था आई टुक माई टाइम। इफ़ यू रिमेंबर मेरे पीछे 5-6 महीने ब्लॉग्स नहीं आए हैं, या तो हो गया ना, बस बहुत है ना, 4-5 महीने, वो मैंने आपको नहीं दिखाया ना उस 4-5 महीने में क्या हुआ मेरे साथ, मैंने कैसे ओवरकम किया, मैं क्या कर रही थी, आई डिडंट शो ना,
तो या तो मैं उसका भी ब्लॉग बनाती और कैमरा रख के मैं वो 5 महीने में क्या कर रही थी वो दिखाती, तो तुम्हें लगता अच्छा ये तब रोई थी। तो थोड़ा दिमाग लगाया करो, मतलब जस्ट यूज कॉमन सेंस प्लीज इफ यू हैव इट। बहुत टाइम से बोलने का मन था, मैं बहुत भरी पड़ी थी, बहुत गुस्से में भी हूँ मैं, बट देन आई एम लाइक यार जाने दो यार। तो अभी भी मैं बस एक ऊपर ऊपर ऐसे बोल रही हूँ, बस बड़ास निकाल रही हूँ, मतलब मन कर रहा है मेरा, क्योंकि तुम लोग इतना लिखते हो तो मेरा भी हक बनता है भाई, मेरा भी चैनल है, मुझे ही बोलना है। सो ये जो बहुत ही समझदार लोग हैं ना कि ऐसे हंस रही है, इसको तो गम ही नहीं है, ओवरकम कैसे कर दिया एंड ऑल दैट नॉनसेंस, थोड़ा दिमाग लगाओ ठीक है। तुम क्या चाहते हो, मतलब डिप्रेशन में रहूँ पूरे एक साल में, रोती रहूँ? सो आई हैव हैड माई फेयर शेयर ऑफ क्राइंग एंड सैडनेस एंड एवरीथिंग, आई डिड इट फॉर 5-6 months, नाउ इट्स ओवर, अब नहीं करना मुझे। तो थोड़ा दिमाग लगाओ ठीक है, अब ये मत लिखने लग जाना कि हंस के बता रही है, हंस के बता रही है, रो के बताऊँ तब तुम्हें अच्छा लगेगा? तो कैसे लोग होते हैं ना, मुझे कभी समझ नहीं आता कितने बेवकूफ़ लोग होते हैं। अगर रो के बात करो और विक्टिम बन के बात करो, मेरे साथ ना मैं भी बहुत, तो तुम लोग को लगेगा ओ माई गॉड कितनी अच्छी लड़की है यार, कितना दुख है। और वहीं अगर कोई लड़की हिम्मत कर रही है, थोड़ा बोल रही है, थोड़ा अपना आपको संभाल रखा है उसने, अपना बेस्ट फ्रंट फुट फॉरवर्ड रख रही है, तो वो तुम्हारे लिए बेकार लड़की हो गई, वो तुम्हारे लिए तेज हो गई, और जो रो रही है वो तुम्हारे लिए अच्छी होगी। क्या हो, क्या चल क्या रहा है, मतलब समाज में मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कभी कभी, क्या चलता क्या है, क्या दिमाग में क्या चलता है तुम लोग के यार। बहुत कुछ बोलना है मुझे, जिस दिन बोलने बैठूंगी ना मैं, 1 घंटे का ब्लॉग बन जाएगा, बोलती रहूंगी मैं। सो हाँ, तो मेरी हंसी को मत दबाओ, मेरी हंसी को मत मारो, हंस रही हूँ तो अच्छे से कॉमेंट्स करके हंसने दो मुझे। अब फालतू कॉमेंट्स करने लगे तो फालतू कॉमेंट्स करेंगे, उनको तो कौन रोक सकता है, वो तो कुछ लोग होते हैं ना ये चुगली करने वाली आंटी है, चुगली करने वाले अंकल, इनको तभी चैन पड़ता है चुगली करके और बुरा बुरा लिख के। तो तुम लोग अपना काम करो, देखो मेरा तो ये मानना है, आप लोग अपना काम करो, मैं अपना काम करूँगी, अगर मैं ईमानदारी से कर रही हूँ, अगर मैं अच्छे से कर रही हूँ तो मुझे भगवान फल देगा, है ना। और अगर मैं सही हूँ, किसी ने तो नहीं देखा लेकिन भगवान सब देखता है, भगवान सब जानता है ना, तो अगर मैं अच्छी हूँ, मैंने सब सही किया तो मेरे साथ सब अच्छा होगा, मेरा तो यही मानना है ना। बाकी जो हो गया हो गया, आई टेक एवरीथिंग एज अ लेसन यार, कुछ ना कुछ सिखाता ही है, अब हो वही है ना। छोड़ो, ऐसे बहुत बोलने लग जाऊंगा। सो सी, मुझे पता है ना आप लोग क्या कॉमेंट्स करने वाले, इसलिए मैं पहले सब बोल दे रही हूँ, हंस के ब्लॉग डाल रही है, इसको तो कोई गम नहीं, पागल पागल हो गया मतलब यार, गम नहीं है, सोचने से बोलने से पहले सोचते भी नहीं हो क्या तुम लोग? बहुत कुछ है यार, इतना तो सोचा करो कि ये अकेली ब्लॉग नहीं बनाती, इसकी फैमिली भी है। चलो तुम लोग को मेरी दया नहीं है, मेरी मोमाया नहीं है तुम लोग को कुछ भी, माँ बाप की तो इज्जत करो यार, माँ बाप तो माँ बाप होते हैं, मेरे जैसे हैं वैसे तुम्हारे भी हैं, तो तुम ये तो सोचो कि तुम जिस लड़की के ब्लॉग में कॉमेंट कर रहे हो उसके माँ बाप भी कॉमेंट्स पढ़ के उनको भी फर्क पड़ता होगा। कहाँ गई इंसानियत यार, क्या हो गया, कलयुग बॉय रहो, मतलब लिटरली कलयुग बॉय रहो, एक हक मिल गया इनको ऑनलाइन लिखने का, बस लिखे जा रहे हैं बकवास। 2-3 लोग, एक तो क्या ऑप्टिमिस्टिक ऋत्विक चौधरी लिविन, 2-3 नाम तो रट गया मेरे को, एक है वो ऋत्विक चौधरी। अरे भैया ऋत्विक चौधरी, एक काम करो, अगर तुमको मुझसे इतनी दिक्कत है ना, तुम इंस्टाग्राम में आओ, हम दोनों ने इंस्टाग्राम में बात करेंगे, ये बंदा पागल हो गया है। योर चैनल विल बी डेड, यू विल डेड इन दिस ईयर, यू विल बी डेड इन दिस चैनल, पता नहीं क्या बकवास इंग्लिश लिखनी आती नहीं है उसको, और यू आर नॉट ट्रू टू योर ऑडियंस, तुम खत्म हो जाओगी। भाई क्या चाहता क्या है तू, तू है कौन पहले तो मुझे बता, तू है कौन? कि पढ़े लिखे अच्छे समझदार लोग ऐसे कमेंट्स नहीं करते हैं, ठीक है तुम्हें मेरे से इतनी प्रॉब्लम है, तुम इंस्टाग्राम में आओ, आमने सामने बात करते हैं, वहाँ पे तुम्हें बकवास जो करने करो, इंस्टा में कोई नहीं आएगा, वहाँ फटती है इन सबकी, वहाँ पे सब डर के बैठ जाएंगे, वहाँ फट्टू हो जाते हैं सब, वहाँ कोई नहीं आ सकता। अब चलो, खैर बोलने वाले तो यहाँ पर भी बोलेंगे ही। सो या आई हैव हैड माई फेयर शेयर ऑफ एवरीथिंग, अब दैट्स इट, जो हुआ हुआ, अब आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम, वेन द राइट टाइम विल कम आई विल स्पीक, एंड दैट विल बी एंड ऑफ दी जर्नी। उसके बाद ना आप कॉमेंट्स करना, ना मैं एंटरटेन करूँगी, आप करोगे तो मैं डिलीट कर दूँगी, मैंने मुँह पे बोल दिया। अभी मैं कॉमेंट्स आ रहे हैं, कोई बात नहीं, झेल लेती हूँ, आने देती हूँ, बट वेन आई विल बी डन विद माई थिंग्स आई विल स्पीक। उसके बाद तुम जितनी बकवास करनी है करना, इतना तुम्हें नहीं पता होगा, मैं बता देती हूँ, YouTube में एक फ़िल्टर होता है, फ़िल्टर नाम की चीज़ होती है रिव्यू करने का, तुम्हारे कमेंट्स जनता में जाने से पहले मेरे थ्रू जाएंगे, तो तुम्हें जितनी बकवास करनी है करना, वो वहीं पर डिलीट हो जाएगा, ठीक है जी? तो तुम्हें जो बोलना है बोल। या आई होप मैंने कुछ तो क्लियर किया होगा, कुछ तो लोगों का मुंह बंद किया होगा, अगेन वेरी मच श्योर, आप कॉमेंट्स लिख लेना, ऑप्टिमिस्टिक जी, ऋत्विक चौधरी जी, लिविन जी, प्राची पंजी, क्या नाम था एक और, वो एक और पंजी है पता नहीं कौन है, रिया पंजी, ये सब मोहतरमाएँ, और 2-4 नाम और हैं, भूमिका
हरीश राजेंद्र सिंह मुन्नी आर्या। मुन्नी आर्या जी कौन है आप? बहुत, मैं फिर वही बोल रही हूँ ना, आप लोग इसमें बोलोगे कैसी लड़की है, तमीज़ नहीं है या, बट नहीं, आई एम जस्ट स्पीकिंग द ट्रूथ। गलत हो आप सब लोग। तो ये जो भी है ना, राजेंद्र, भूमिका, प्राची पन, एक पहाड़ी गर्ल, एक और आ रही है मैडम पहाड़ी गर्ल। भाई तुम पहाड़ी गर्ल पहाड़ी पे नाम पे कलंको भैया तुम। अगर तुम पहाड़ी गर्ल अपना नाम लिख के अगर तुम दूसरी पहाड़ी गर्ल के खिलाफ और दूसरी पहाड़ी गर्ल को तुम ऐसे डीमोटिवेट करो, गंदे गंदे कमेंट्स करो, तुमसे ज़्यादा बेकार कोई पहाड़ी गर्ल नहीं हो सकती है फिर तो। तो कुछ कुछ ऐसे बहुत नाम है। मुन्नी आर्या जी भाई क्या चाहती हो आप? तो तुम क्या चाहते हो सब? बोलने को तो बहुत कुछ है यार, बहुत कुछ बोल सकती हूँ मैं, बट वही है ना, सिर्फ मेरा अकेले का लाइफ होता, मैं अकेली आइडेंटिटी होती, मेरे आगे पीछे कोई नहीं होता तो मैं बग देती यहाँ पे ऑनेस्टली। पर ऐसा नहीं है ना यार, पीछे फैमिली भी है, मेरे मम्मी पापा भी है, मेरे भाई भी है, मेरे रिश्तेदार भी हैं, तो आई कैन नॉट डू लाइक दिस यू नो। और मोर देन दैट, मोर ओवर, ये कोई मूवी नहीं चल रही है उसकी, किसकी, संजय लीला भंसाली की, कि उधर से बोला एक्शन और यहाँ से कल्पना की लाइफ एक्शन में आगे तुम लोग के सामने आ जाएगी। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, कोई मूवी नहीं चल रही है। और जो ये लोग कमेंट करते हैं ना कि व्लॉग बनाते हो, हमें सब हक है जानने का, व्लॉग में तो तुम सब दिखाती हो, शादी करी व्लॉग में, हनीमून भी व्लॉग में बनाया, अब हमें बताओ क्या। अरे अरे अरे, मेरी पर्सनल चॉइस है भैया, मेरा व्लॉग, मेरा तरीका व्लॉग बनाने का, मैं चूज़ कर रही हूँ क्या दिखाना है। तो मैंने वो सही समझा, वो चूज़ किया दिखाने का मुझे तब लगा, अभी मुझे नहीं लग रहा है ये दिखाने का सही समय है, तो मैं नहीं दिखा रही हूँ। वो तो मेरा राइट है ना, वो तो मेरा चॉइस है ना, मेरा व्लॉग, मेरी मर्जी। अगर तुमको इतनी दिक्कत हो रही है, तुम्हें इतने परेशानी हो रही है, तो मत देखो, एज सिंपल एज दैट। जब मुझे सही लगेगा मैं बोलूँगी। तो जो तुम लोग कर रहे हो ना कि व्लॉग है तो तुम, ये कोई बात नहीं, उसका कोई हक नहीं है छुपाने का, उसका नहीं है, हम भी हैं, हमें बताओ, नहीं ऐसा नहीं है। इट्स माई पर्सनल लाइफ, इट्स माई प्राइवेसी। वो दिखाया वो भी मेरी मर्जी थी, ये मुझे अभी नहीं दिखाना ये भी मेरी मर्जी है। और चुप रहने का, और जो तुम लोग बोलते ना कि चुप रहता है वो चोर होता है, गलत होता है, नहीं जी ऐसा नहीं होता है। जो समझदार लोग होंगे वो समझेंगे कि जो चुप रहता है ना वो इससे चुप रहता है, बिकॉज जो चुप रहता है वो सही होता है, जो चुप रहता है वो गलत नहीं है, वो शांत है अभी, क्योंकि वो सोच समझ के समझदारी से बोलेगा ना। तो ये है, इसलिए जो बोलते हैं ना, ये मेरी कोई मूवी नहीं चल रही है यार, कोई संजय लीला भंसाली नहीं है, या तो तुम वो ये ना बोलने को, तो मेरा इतना कुछ बोलने का मन है ना, बट छोड़ो, तो कोई मूवी नहीं चल रही है, एक्शन बोलोगे बता दूँ, वो भी मेरा राइट था दिखाना, ये भी मेरा राइट है। इट्स माई लाइफ यार, इट्स माई प्राइवेसी, माई चॉइस। जब मुझे कंफर्टेबल होगा, मैं ऐसे नहीं बोल रही, मतलब जब मुझे लगेगा, जब मैं कंफर्टेबल होंगी तब मैं बताऊंगी, जितना मेरा मन होगा मैं उतना बताऊंगी, और वो मेरी मर्जी है। मैं क्या, कोई भी अपनी लाइफ का तमाशा नहीं बनाता है ना, मुझे बनाना है, ठीक है, जो भी हुआ मैंने भी सोचा नहीं था, मतलब नो वन प्लान्स दैट, कोई प्लान नहीं करता है, हो गया ठीक है। अब मैं ज़्यादा उस बारे में सोचना चाहती ना, बात करना चाहती हूँ। सो या दैट्स इट, सो स्टॉप स्प्रेडिंग हेट कॉमेंट्स। फ़र्क पड़ता है कुछ का नहीं पड़ता। और बाकी इंस्टाग्राम में मिलो मुझे, पर्सनल मैसेज करो, मैं भिड़ती हूँ तुमसे वहाँ पे। बट खैर, ये कुछ नाम है, बहुत और ऐसे नाम है, मैं क्या ही कर सकती हूँ, आप लोग बोलते रहो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई हैव माई फैमिली, तो जिनके वजह से आई एम सेन एंड आई एम हेयर। टिल दैट टाइम इन्जॉय माई व्लॉग्स, और मेरी दोस्त की शादी के व्लॉग्स इन्जॉय करिए। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे और मेरी दोस्त ने गढ़वाली है, ठीक है, तो मैं घुमा, हम लोग घुमानी है, तो मैं पहली बार गढ़वाली शादी इन्जॉय करने वाली हूँ, सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। और जो यहाँ पे मैं और मम्मी हम लोग मजाक करते हैं कि गढ़वाली तेज़ होते हैं, वहाँ जाके जिप पिन ड्रॉप साइलेंस, मैं बिल्कुल नहीं बोलने वाली गढ़वाली तेज़ होते, क्योंकि वो सारे गढ़वाली हैं और मैं अकेली कुमाऊनी होंगी। आलोक भी इनफैक्ट गढ़वाली है, तो ऐसा भी नहीं कि आलोक मेरी साइड लेगा, हर कोई गढ़वाली, तो नो सब मेरे पे टूट पड़ेंगे, तो वहाँ जाके तो आई विल बी लाइक नहीं 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 कुमा गढ़वाली जिंदाबाद, गढ़वाली बहुत शरीफ होते हैं, कुमाऊनी होते हैं तेज। वहाँ पे सारा इल्ज़ाम मैं अपने सर पे ले लूँगी, कुमाऊनी बहुत तेज़ होते हैं और गढ़वाली बहुत अच्छे होते हैं। भैया भाई तुम बहुत अच्छे हो, ठीक है ना, हम बहुत ख़राब है। बाकी आप अपना काम करो, मैं अपना काम करूँगी। आई विल मीट यू टुमारो विद अ न्यू व्लॉग। बाय गाइस।